नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। आज मुकाबले का पहला दिन है और पहले सेशन का खेल भी जारी है। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बगैर नुकसान के 26 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं और टीम इंडिया ने दो बदलाव भी किए हैं, जिसमें केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को मौका दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव भी टीम के अंदर शामिल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 दिन के दौरे पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। वे यहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में आज स्पीच देंगे। इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल यहां प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। होली के त्यौहार से पहले एक बार फिर महंगाई ने झटका दिया है। तेल गैस कंपनियों ने बुधवार सुबह से ही घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 8 महीने के अंदर ही कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की रेट में 50 रुपये बढ़ा दिए। इसमें कॉमर्शियल सिलेंडर को भी शामिल करते हुए 350 रुपये बढ़ाए गए हैं। द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो हाल ही में सामने आया है। शो के इस एपिसोड में अक्षय कुमार, मोनी रॉय, नौरा फतेही और सोनम बाजवा बतौर गेस्ट पहुंचे थे। शो के दौरान कपिल मजाकिया अंदाज में अर्चना पूरन सिंह को बताते हुए हैं कि नौरा ने अभी मीडिया में एक बयान दिया था कि अगर लड़का लड़की डेट पर जाते हैं तो बिल हमेशा लड़के को देना चाहिए। इस पर अर्चना ने कहा कि आजकल जमाना बदल गया है, लड़कियां भी पे कर सकती हैं। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।